डिफेक्ट है। मेरी तरह घर मत तोड़वा, जीरो डिफेक्ट प्रिंस पाइप सी लगा। तू प्रिंस क्यों नहीं लाया? तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि प्रिंस पाइप फंडामेंटली कैसा है, ऐसा फ्यूचर ग्रोथ कैसे नजर आता हुआ आपको दिखाई दे रहे हैं, उसी के साथ साथ देखेंगे कि यह पर्टिकुलर शेयर मल्टीबैगर बन सकता है या नहीं। आपको ये तो पता हो गया कि पाइपिंग सेक्टर 13-14% ग्रो हो सकता है आपका आगे आने वाले 5 साल के अंदर। तो सवाल ये क्रिएट होता है कि प्रिंस पाइप को कितना फायदा मिलेगा ये ग्रोथ को लेके, तो चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रिंस पाइप्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा। लास्ट ईयर Q1 से दिस ईयर Q1 का कंपेयर करेंगे तो 9% रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ आपको नजर आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आप सेल की बात करेंगे तो वहां पे कंपनी 26% का डिक्लाइन यहां पे दर्ज किया है। उसके पीछे का रीजन देते हुए यहां पे दिखाया है कि एग्री के अंदर डिमांड कम होने के कारण एंड लॉकडाउन के चलते ये प्रॉब्लम इसको फेस करना पड़ा। उसके बाद आप इसके अंदर ईबीटा के अंदर देखेंगे तो वहाँ पे 30.5% का ग्रोथ यहाँ पे दिखाया गया है। मार्जिन के अंदर अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे दिया है, जो लास्ट ईयर था 10.5% वो ग्रोथ बढ़ के हो गया 12.5%। तो अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे भी नज़र आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद बात करें नेट प्रॉफिट का, तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी करीब आपका 58% का ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे सेल वॉल्यूम के अलावा आपका हर जगह पे कंपनी यहाँ पे ग्रोथ नजर होता हुआ आपको दिखाई दे रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। तो अभी जान लेते हैं कि प्रिंस पाइप ईयर वाइज कैसे कामकाज कर रहे हैं। तो बात करें रेवेन्यू का, तो रेवेन्यू के अंदर करीब आपका 27% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यहाँ पे दर्ज किया है। सेल वॉल्यूम की बात करें उसके अंदर भी ईयर ऑन ईयर 4% का ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ईबीटा के अंदर 5% एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर करीब आपका डबल यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया गया है। तो अच्छा खासा ग्रोथ ईयर वाइज कंपनी ने मेंटेन करके रखा है। अगर आप पाइपिंग सेक्टर में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो पर कैपिटा पाइप का कंजम्पशन है इंडिया के अंदर ये 11 kg हिसाब से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आप वर्ल्ड वाइड एवरेज करेंगे तो वहाँ पे 30 kg आपको दिखाई देगा। तो वर्ल्ड वाइड एवरेज के मामले में भी कंपेयर करेंगे तो इंडिया बहुत ही ज़्यादा नीचे है। अब बड़े बड़े कंट्री जैसे USA से कंपेयर करेंगे तो ये 110 kg पर कैपिटा है, और यूरोप के अंदर 65, चाइना के अंदर 45 एंड ब्राज़ील के अंदर भी 33 है। उस कंपैरिजन में इंडिया के अंदर 11 ही है, तो बहुत ही ज़्यादा नीचे है। तो फ्यूचर में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाइप सेक्टर के अंदर। जैसे कि मैंने वीडियो के पहले ही बता चुका हूँ, बीते हुए 5 साल के अंदर जो ग्रो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 10-12% CAGR के हिसाब से, लेकिन आगे आने वाले 5 साल के अंदर ये जो ग्रोथ है ये 12-14% रह सकता है, ये रिसर्च का मानना है। तो इसको फॉलो करके आप चल सकते हैं फॉर पाइप इंडस्ट्री। तो अभी एक सवाल दिमाग में आता है कि इंडिया के अंदर ही इतना ग्रोथ एक्सपेक्टेड क्यों है, क्योंकि इसके पीछे का कुछ रीज़न भी है। आप यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियल की हाईलाइट यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 75% जो हाउस होल्ड है अभी भी ड्रिंकिंग वाटर का जो कनेक्शन है वो नहीं है, तो उसको चलते फ्यूचर में इसका डिमांड बढ़ने वाला है। उसी के साथ अंदाज़ा ये भी लगाया जा रहा है कि 2030 तक भी 40% जो पॉपुलेशन इंडिया के अंदर रहेगा ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस उसके घर तक नहीं पहुंच पाएगा। तो फ्यूचर में भी इसका पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो फ्यूचर जो आगे आने वाले डिकेड्स के अंदर भी इसका ग्रोथ बरकरार रहेगा। अगर उसी के साथ आपका कुछ फैक्ट्स ये भी बताता है कि जो हाउस होल्ड से पाइप वाटर का जो कनेक्शन है अभी भी 85% घरों तक ये नहीं पहुंच पाया है, तो पाइपिंग सेक्टर का जो डिमांड है वो इसके साथ भी जुड़ा हुआ है। और एक आंकड़े के साथ ये भी पता चला है कि 6% जो इंडियन GDP है वो यूज़ होने वाला है वाटर क्राइसिस को सॉल्यूशन देने को लेके। और इंडिया के अंदर स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा बहुत सारा पैसा होल्ड करके रखा गया है, बजट करके रखा गया है, जो वाटर सॉल्यूशन दिलाने में सक्षम हो सकता है। उसी के साथ साथ जो स्मार्ट सिटी मिशन इंडियन गवर्नमेंट शुरू किया है तो उसके अंदर भी पाइपिंग का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो ये सारे जो फैक्टर है वो पाइपिंग सेक्टर के लिए अच्छा साबित हो सकता है। तो ये पाइपिंग सेक्टर के लिए अच्छा साबित होगा तो प्रिंस पाइप को भी इसको फ़ायदा मिलेगा। तो आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि बजट के द्वारा और भी बहुत सारा स्टेप लिया गया है जिसके अंदर पाइपिंग सेक्टर का डिमांड बढ़ने वाला है।
बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, तो वहाँ पे भी पाइपिंग का डिमांड बढ़ने वाला है कि अच्छा खासा पैसा यहाँ पे भी एलोकेट किया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं करीब आपका 55,000 करोड़ पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे एलोकेट किया गया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काम चलेगा तो पाइपिंग का डिमांड वहाँ पे भी बढ़ने वाला है। बात करें एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अंदर पाइपिंग का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा पैसा एग्रीकल्चर के अंदर भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे एलोकेट किया है, तो उसके अंदर भी अच्छा खासा डिमांड बढ़ने के लिए संकेत यहाँ पे दे रहे हैं। प्रिंस का पाइप का ओवरऑल हाइलाइट्स आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि करीब आपका 11 इसका वेयर हाउसेस है और आपका जो स्टॉक कीपिंग यूनिट है इसका करीब इसका 7,200 के ऊपर है। एम्प्लॉयज़ की बात करें तो 1,700 के आसपास एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये कंपनी डेट फ्री है। और एक बात है जो क्रिसिल का जो इसका जो रिसर्च किया जाता है उसके द्वारा प्रिंस पाइप ए कैटेगरी के अंदर आता है, ए पॉजिटिव कैटेगरी के अंदर आता है, जो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट करता है प्रिंस पाइप को लेके। चैनल पार्टनर्स की बात करें तो उसके अंदर करीब आपका 1,500 प्लस चैनल पार्टनर्स इसके अंदर अभी है। तो इंडियन डिमांड को देखते हुए प्रिंस पाइप्स ने रिसेंटली एक प्लांट ओपन किया है तेलंगाना के अंदर। ज़्यादातर जियोग्राफी वाइज आप देखेंगे तो प्रिंस पाइप ज़्यादातर मजबूत आपका नॉर्थ एंड वेस्ट साइड में ज़्यादा है, तो इस एंट्री पॉइंट को बैरियर को ब्रेक करने के लिए तेलंगाना में इसका जो नया एक प्लांट खोला है जिसकी कैपेसिटी है 5,000 टन पर एनम। रिसेंट कंडीशन में आप देखेंगे तो 4,000 टन का रिसेंट कंडीशन में ये सप्लाई दे रहे हैं और माना जा रहा है आगे आने वाले 3 साल के अंदर ये पूरा फुल फॉर्म में चालू हो जाएगा। तो अच्छा खासा फ़ायदा और साउथ इंडिया में पकड़ बनाने के लिए ये प्लांट ओपन किया जा रहा है। कंपनी का प्रोडक्ट की बात करें तो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि किस तरह से कंपनी अपना जो प्रोडक्ट है डाइवर्सिफाई किया हुआ है और रिसेंट कंडीशन में नया नया प्रोडक्ट भी कंपनी लॉन्च कर रहे हैं। आपको ये जरूर पता होगा कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ज़्यादातर जो फोकस है वो ग्रीन एनर्जी के ऊपर ज़्यादा दे रहे हैं, तो उसको चलते प्रिंस पाइप्स ने भी इसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ज़्यादातर पावर जो कंजप्शन होता है, पावर का जो डिमांड होता है प्रिंस पाइप का, वो कोल एंड ऑयल से शिफ्ट होकर ग्रीन एनर्जी के ऊपर मूवमेंट कर रहे हैं, तो जो फ्यूचर है वो सिक्योर कर रहे हैं ये कंपनी। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे किस तरीके से प्रिंस पाइप्स जो पावर डिमांड है उसको सोलर एनर्जी में मूव कर रहे हैं। प्रिंस पाइप का बीते हुए कुछ सालों के अंदर परफॉर्मेंस की बात करें, पहले देख लेते हैं रेवेन्यू। तो आप देख पा रहे हैं 2017 में जिस तरह से रेवेन्यू अर्न करता था उस तरीके से कितनी अच्छी तरह से कंपनी ने यहाँ पे ग्रो किया है 2021 तक। अभी बात करते हैं नेट जो डेप्ट है वो मार्जिन का, तो नेट डेप्ट के मामले में भी जो डेप्ट पहले 310 करोड़ का था वो कम होते हुए जीरो में आ गया है और उसकी तुलना में नेट वर्थ जो है वो कम्प्लीटली धीरे धीरे वो इम्प्रूव हो रहा है। तो इस तरह से प्रिंस पाइप आगे निकल रहे हैं। ईबीटा मार्जिन की भी बात करें तो वहाँ पे भी कंपनी बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे ग्रो किया है, मार्जिन में भी अच्छा खासा सुधार कंपनी ने दिया है। साथ साथ जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट का मार्जिन दोनों में कंपनी बीते हुए 5 साल के अंदर अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, इसीलिए कंपनी की जो शेयर प्राइस है उसके अंदर आपको मूवमेंट देखने को मिल रहा है जो भी अपर साइड में अभी दिखाई दे रहा है। तो प्रिंस पाइप का फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो कंपनी लगातार जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वो इम्प्रूव कर रहे हैं। रिसेंटली तेलंगाना के अंदर जो प्लांट खोला है, फ्यूचर में और भी ज़रूरत पड़ेगा तो ये पर्टिकुलर कंपनी अपना प्लांट नया ओपन करेगा। कंपनी के प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट के अंदर भी कंपनी बहुत सारा नया प्रोडक्ट जोड़ा है और आगे भी कंपनी बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा और भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है। मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि मार्जिन के अंदर भी कंपनी का सुधार बहुत अच्छी तरह से रखेगा और आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर ग्रोथ भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है मार्जिन के अंदर, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है तो मार्जिन के अंदर ग्रोथ तो बनता है। और कंपनी के अंदर हेड काउंट की बात करें तो एम्प्लॉयज़ के अंदर लगातार इम्प्रूवनेस आपको दिखाई देगा, हेड काउंट लगातार इम्प्रूव हो रहा है क्योंकि कंपनी के अंदर कामकाज बहुत ज़्यादा है, कंपनी नया प्लांट ओपन कर रहा है तो उसके लिए एम्प्लॉयज़ तो चाहिए होता है, तो इसी के चलते एम्प्लॉयज़ भी लगातार इम्प्रूव हो रहे हैं। तो प्रिंस पाइप को पूरा एनालाइज करने के बाद ये पता चलता है कि बहुत डिमांडेड एक सेक्टर है, एक डिमांडेड कंपनीज भी है और रिसेंट 5 सालों के अंदर कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है और फ्यूचर में भी डिमांड जिस तरह से दिखाई दे रहा है 12-14%, तो उसका फ़ायदा प्रिंस पाइप को मिलने वाला है। तो ये सब सारे पॉइंट आप सोच के अपनी तरह से रिसर्च कीजिए, उसके बाद निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। तो आज इतना ही वीडियो के बारे में, धन्यवाद। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।